तो जैसे कि तुम लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो भाई तुम लोग जानते होंगे कि मेरे पास कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी आती है तो मैं ज़रूर से उसको चेकआउट करता हूँ। तो उसी तरीके से मैं इंस्टा रील स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक रील आता है जिसमें रिकमेंड होती है एक मूवी जिसका नाम है मंगलवारम। तो वो रील देखने के बाद से ही भाई मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। तो बस क्या, फिर मैंने मूवी देखना स्टार्ट करी और मैं वही मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई पिक्चर मुझे आखिरकार कैसी लगी। मंगलवारम एक तेलुगु फिल्म है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी विद ए सर्टिफिकेट और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ये पिक्चर होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं भाई, जो कि इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां की एक दीवार पे भाई कुछ तो भी लिखा हुआ है जिसको पढ़ के पूरे गांव वाले भाई शॉक हो जाते हैं। गांव के ही एक आदमी और औरत का नाम उस पे लिखा हुआ है और बताया ऐसा जाता है कि उनके बीच में अवैध संबंध है और गांव वालों को उनके अवैध संबंध को स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसी चेतावनी लिखी गई है। और जिन लोगों का नाम उस दीवार पे लिखा गया है उनकी डेड बॉडी गांव में किसी ना किसी जगह पे मिल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ये जो भी मौतें हो रही है माँ महालक्ष्मी के फेवरेट वाले दिन मतलब पसंदीदा दिन मंगलवार के दिन हो रही है। अब गांव वाले लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है कि कौन ये सब कर रहा है और आखिरकार कौन इन लोगों को मार रहा है। अगर तुम एक बात नोटिस करो तो उन्हीं लोगों को मारा जा रहा है जिनके आपस में अवैध संबंध है। अब जब मैं ये पिक्चर देख चुका हूँ मैं इतना तो समझ चुका हूँ भाई कि ये पूरे गांव में से बहुत से लोग ऐसे है जिनका कैरेक्टर ढीला है, मतलब किसी ना किसी का अवैध संबंध तो चल ही रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में सीधे एक बात आई होगी कि भाई ठीक है कोई एक ऐसा ही आदमी होगा जो इन लोग को मार रहा होगा जिसको अवैध संबंध से कुछ प्रॉब्लम है, पर जब तुम पिक्चर देखोगे रीजन उससे भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है और कुछ अलग है। जब तुम देखोगे खुद समझ जाओगे। तो वीडियो में अपन आगे बढ़े उससे पहले कहना चाहता हूँ कि भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। अब अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर की मेन हीरोइन शेलू के बारे में जो कि गांव में अकेली रहती है। अब वो अकेली क्यों रहती है इसके पीछे भी एक रीजन है जो कि तुम्हें पिक्चर में देखने को मिलेगा। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात शेलू के बारे में ये है कि गांव का हर मर्द उसके साथ 1-2-4 करना चाहता है क्योंकि शेलू जो है वो किसी को मना नहीं करती और गांव के कई सारे लोग उसके साथ संबंध बना चुके हैं। अब शेलू ये सब क्यों कर रही है इसके पीछे एक बड़ा सा रीजन है वो तुम्हें पिक्चर में पता चलेगा। शेलू जितना इन गांव के लोगों से परेशान नहीं होती है उतना परेशान रहती है वो तितलियों के कारण। अब ये भी तुम्हें पिक्चर में पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या पूरे के पूरे गांव के लोग ही ऐसे जिनको ओनली चाहिए बस और कुछ भी नहीं। तो इन गांव के लोगों के बारे में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनकी भोली शक्लों पे बिल्कुल मत जाना। इन भोली शक्लों के पीछे छुपा हुआ है शैतान। इस पूरे गांव में एक बहुत बड़ा कांड चल रहा होता है जो कि तुम्हें एंड में पता चलेगा क्योंकि जब मुझे पता चला कि ये गांव वाले ऐसे क्यों है, शेलू का कैरेक्टर क्या है, तो भाई मैं तो शॉक था। इस फिल्म को देखते वक्त स्टार्ट से लेके एंड तक भाई तुम्हारे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं जो कि फिल्म खत्म होते होते सारे सवालों के जवाब तुम्हें देके जाती है और लास्ट वाला जवाब तो भाई बेस्ट था में। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस पूरी पिक्चर में भाई लास्ट के 20 मिनट्स काफी ज्यादा शॉकिंग और काफी ज्यादा अच्छे थे। इट मींस कि इसका क्लाइमैक्स मुझे अच्छा लगा। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया थी और वो सीन भी काफी अच्छा लगता है देखने में जब भाई कुछ शादी वाला कुछ फंक्शन चल रहा होता है और गांव वालों के बीच में फाइट हो जाती है और जिस हिसाब से उसको शूट किया गया है, जिस हिसाब से एडिट करके दिखाया गया है, वो अच्छा लगता है देखने में। मूवी का जो बीजीएम था भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा और इस फिल्म को देखते वक्त भाई तुम्हें कांतारा की याद आ जाएगी क्योंकि कांतारा जैसी वाइब देती है पिक्चर। तो अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि फिल्म में आखिर तुम्हें देखना क्या होगा। तो भाई तुम्हारे लिए पिक्चर कई सारे सवाल छोड़ती है वो भी स्टार्ट से लेके एंड तक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हर मंगलवार को वो जो लाशें मिलती है गांव में उनको आखिरकार कौन मार रहा है, शेलू आखिरकार उन तितलियों से क्यों इतना ज्यादा परेशान है। तो सारे के सारे राज मूवी में ही छुपे हुए बस तुम्हें दिखाई नहीं देते। बाकी अगर मूवी की बात की जाए तो भाई स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई पिक्चर में क्या चल रहा है और बहुत टाइम तक तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो क्या रहा है पिक्चर में। पर जैसे जैसे कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है भाई तुम पिक्चर में इन्वॉल्व होने लगते हो। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी पेशेंस है तो भाई पिक्चर देखते वक्त रुक जाना, पिक्चर को बंद मत कर देना क्योंकि ये जो फिल्म है ये तुम्हारा टाइम मांगती है भाई। अगर तुम इसको टाइम देते हो तो एंड में तुम्हें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो अगर तुम्हारे पास पेशेंस है तो भाई इस पिक्चर को जरूर चेकआउट करना। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे तुम्हें मिल जाएगी जिसमें तुम्हें देखने को मिलेगा छोटा मोटा हॉरर, साथ ही में देखने को मिलेगा साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर। तो जिस टाइप का पिक्चर का जॉनर है भाई पिक्चर वैसा एक्सपीरियंस तुम्हें देती भी है। फिल्म में तुम्हें एकदम तगड़ा बीजीएम सुनने को मिलेगा, बस शिकायत इतनी है कि स्टोरी थोड़ी सी स्लो है। बाकी पायल राजपूत का काम मुझे पिक्चर में अच्छा लगा। तो टोटल इस पिक्चर के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि एक चांस तो भाई दे ही सकते हो तुम क्योंकि हो सकता है इस पिक्चर को तुम बार बार ना देखो पर वन टाइम वॉच तो पिक्चर है। तो खैर मंगलवारम पिक्चर अगर तुम भाई देख चुके हो तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना और अगर तुमने ये पिक्चर नहीं देखी और देखना चाहते हो तो तुम्हें मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वो भी हिंदी डब में। तो खैर इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game.